दुआ जीते नहीं दे बाबा भाई पहला तो हां रोवा क्यों भाई मेरे भाई पलूता फौरन लग जाता मैं भी कही रोटी पका रो अरे हां जी लाल में रोना बना आ तीन सजना इन सत्या गति बहुत ही मुक्त दिलाए अब मेरी लोड़ी उनका लिए मुक्त दिया हां हां वो साल करण नु तो ऐनी सत्या न खुदा समें दुआ ऐनी दात्री गतनी ते आई नहीं करेंगे दात्री के लिए ओ चाल वाह जानी ते मोर ओ चाल ये नहीं कार के हां सारे नहीं मैं हूं सिटी मरोड़े शरोड़े की मतलब चंगा है दाना ठीक हूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो वहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पूरा व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूं कि क्योंकि पहली वीडियो ज्यादा लंबी हो जानी थी आपने, तो अभी अपने मंडेरे के सामने खड़ा हूं। ये छोटा सा एक रास्ता है जिस पर मैं जा रहा हूँ। इधर उधर हर तरफ जो है सरसब्ज खेत ही खेत हैं। ये अभी जो है पानी आ रहा है ट्यूबवेल का, बिल्कुल ही मेरे घर के सामने ये ट्यूबवेल है, उसका ये पानी है जो खेतों को शराब करता है। तो अभी जो है मैं फ़िलहाल गांव में मौजूद हूँ। आज ही मैं आया था तो गंदम की कटाई होनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है अफ्ताही अपने गांव में ही करता हूं। तो मैं अभी रात को यहीं हूं, तो वापस जो है कल सुबह जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो है गंदम बिल्कुल पक गई है। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो जो है ना उस वक्त गंदम का रंग बिल्कुल सब्ज था, वो बिल्कुल नहीं पकी थी। यहाँ पर हमने ट्यूबवेल पर वीडियो भी बनाई थी, आपने यकीनन देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में, जिसमें हमने पुलाव बनाया था। कुछ दोस्त थे, कज़न थे, उन्होंने मिलकर पुलाव बनाया था, तो बहुत ही फनी वीडियो बनी थी, आप जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, जो अपने घर के सामने ट्यूबवेल है वो आपको दिखाता हूँ। मेरा बचपन जो है ज़्यादातर यहीं गुजरा है, 10-15 साल जो है मैंने 15-16 साल मैंने यहाँ पर अपने गांव में गुजारे हैं। इस ट्यूबवेल पर हम सुबह आते थे जब हम पढ़ते थे मैट्रिक में, मैट्रिक तक हम गांव में पढ़े हैं। तो सुबह जो है स्कूल जाना था, जाना होता था तो घर में जाता जो है पानी ठंडा होता था, यहाँ पर हम आकर सुबह नहाते थे। अभी शाम का टाइम है, अफ्तारी में अभी कुछ टाइम बाकी है तकरीबन। फ़ोन तो मेरा बंद हो गया है, इस कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहली दफ़ा मैं इस माह रमज़ान का पहला रोज़ा अपने गांव में इफ्तार कर रहा हूँ। तो आज जो है काफ़ी गर्मी में वर्कआउट किया है, काम किया है, फसल थी गंदम की वो जो है उसको ठिकाने लगाया है। ये बेर का दरख्त है और यहाँ पर ट्यूबवेल का वो सिस्टम लगा होता है ऑन ऑफ करने वाला, ये उसका कुआँ है। नेट ते चाड़ूआ तैनो फायदा क्याड़ भाई कुत्ते तेरा कतल पे किया। कार का टाइम भी थोड़ा सा रहता है तो वापस घर चलते हैं। दोस्तों ये था मेरे गांव का थोड़ा शॉर्ट सा टूर, तो जो मैं कम वक्त में बना सकता था इजीली मैंने वो आपको दिखाया है। तो फिर इंशाल्लाह कभी, फिर इंशाल्लाह हमने ईद पर आना है वापस। यहाँ पर ईद आप गांव में करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली जो कज़न शहर में रहते हैं वो वापस जो है ईद है यहाँ पर गांव में आकर मनाते हैं। खुशी हो गमी हो वो हम जो है अपने गांव में आकर करते हैं। वहाँ तो हम सिर्फ स्टडी के लिए शहर में रहते हैं इसलिए मजबूरी है। तो यहाँ पर जो है ना ये देख सकते हैं आप, इतना पानी ज़्यादा है कि जो है ना वो जो किनारा है, कस्सी बोलते हैं हम इसको पंजाबी में, पता नहीं आप इसको क्या बोलते हैं, तो किनारे से पानी इस साइड पर बह रहा है तो यहाँ गिरने का भी ख़तरा है। अब मैं आ गया हूँ वापस अपने डेरे पर। ये सामने हमारा डेरा है, बिल्कुल सामने रोड के, और मेन रोड गुजर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ बेचारा अपने काम काज भी करता है, घर को भी चलाता है। ये उनकी खोती है छोटी सी और वो उनकी
खोती रेड़ी है, ये है फरूक मेरा कज़न, ये अभी जानवरों के लिए चारा काट रहा है, तो ये ले जाएगा फिर जो है इस चारे को क्या करेगा, मशीन में काटेगा, फिर जानवरों को डालेगा, फिर जानवरों को बांधेगा, फिर रात को वहीं सोएगा, सुबह फिर कॉलेज जाएगा, तो फिर कॉलेज से वापस आकर दोबारा ये इस काम में, फिर अफ्तारी के बाद जो है ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं अफ्तारी करते हैं, अभी चंद मिनट बाकी हैं। ये मेरा भाई पता नहीं किधर जा रहा है हाथ धोकर। शहर से ये मिलती है 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, और जो है हमारे गांव में इन्होंने इतना लूटा हुआ है गांव वालों को, यहां पर ये 100 रुपये किलो मिलती है। मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया, अभी कुछ एनर्जी बहाल हुई है, तो अभी कुछ एनर्जी बहाल हुई है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव की मस्जिद में नमाज़ अदा करने, तो चल कर देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल होती है अफ्तारी की। ये मैं आपको मस्जिद का अंदरूनी मंज़र दिखा रहा हूँ, काफ़ी नमाजी जो हैं वो नमाज़ अदा कर रहे हैं, और मेरे साथ ये हैं मेरे कज़न, और ये आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए आए हैं, लेकिन अफ्तारी का कोई सीन नहीं। तो फाइनली मैंने नमाज़ पढ़ लिया, काफ़ी अंधेरा है, मैं मस्जिद से वापस घर जा रहा हूँ, अभी पहुँचने वाला हूँ, तो एनर्जी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, व्लॉगिंग करने की कोई हिम्मत भी नहीं है, ये मैं मजबूरी से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं रात यहीं पर हूँ ना अपने गांव में। मैं कहता हूँ रेगुलर जो है वो व्लॉग आना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। दो दिन मिस हो गए, मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, इसलिए मैं बिल्कुल व्लॉग की छुट्टी नहीं करना चाहता। हाँ बेटा नहीं, हम जा रहे हैं अपने गांव के चौक का है, वहाँ पर होटल है, वहाँ से खाना लेंगे। लड़का लेने गया है खाना, हम यहाँ पर खड़े हैं पीछे। चल ये गांव में तंदूर पर ताज़ा रोटी लग रही है, यहाँ पर रात को जो है वो तंदूरी पर रोटी लगती है, ये अभी तंदूर में रोटी पक रही है, ये पेड़ा बना गया, ये आटा है, इसमें रोटी अब पक गई है, रोटी पक रही है, ये कोलनी के साथ जो है वो आग को अंगारों को हलाया है, आगे पीछे किया जाता है ताकि रोटी ठीक तरह से पके। वाह ये रोटी तैयार हो गई है, अब इसको हम ठंडे दूध के साथ खाएंगे। अभी रोटी मैं लेकर जा रहा हूँ घर, इसको यमी यमी मीठे दूध ठंडे दूध के साथ खाएंगे, तो इसका अपना ही लेवल है, खाने का अपना ही मज़ा है। आप रेस्टोरेंट बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खाने भूल जाएंगे जब ये रोटी खाएंगे ठंडे दूध के साथ। किला में गांव में लाइट भी बहुत जाती है, ये देखिए अंधेरा ही अंधेरा। बिल्ली वाली है, ओ लाइट आ गई, लाइट आ गई भाई, लाइट आ गई। हमारे घर की बिल्ली अली, आपकी बिल्ली से हमारी बिल्ली खूबसूरत है, देखें इसकी दहशत चेक करें, दहशत चेक करें, ये बिल्लो बिस ओहो बिल्लो बिशो। दूध पीना है, मैं लेकर आता हूँ आपका दूध, यहीं रुकना। बिशो 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 आज 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 पीला पीला। हमारी बिल्ली बहुत महंगी बिल्ली है, ठीक है अब खुश हो, अब मेरा चैनल भी आपने सब्सक्राइब करवाना है बाकी बिल्लियों से, ठीक है साथ उनको कहना कि बेल आइकन को भी दबाना। किधर जा रही हो, एहसान फरामोश, थैंक यू भी नहीं बोला इसने, सब्सक्राइब करवा देना मेरा चैनल, ठीक है।
चल अब निकल जाओ। वेलकम बैक, आज मेरा दूसरा दिन स्टार्ट हो गया गांव में। अभी मैं गांव में मौजूद हूँ, एक कुछ सामान थोड़ा बहुत लेना था तो वो लेकर वापस जाना है सिटी, तो इसको अपलोड भी करना है व्लॉग को और एडिट भी करना है, तो लाइक सब्सक्राइब मार दीजिएगा। अभी फ़िलहाल वो लड़का नहीं आया, आ जाता है तो फिर चलते हैं। और मौसम आप देख सकते हैं कि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, बहुत ही ठंडा मौसम बना हुआ है, बहुत ही प्यारा व्यू है। हवा चल रही है, हवा चल रही है इतनी। आज कॉलेज कोई नहीं गया, छुट्टियां हो गई हैं, ये कितनी जल्दी, कल नहीं होनी थी? हाँ, सानू छुट्टी आई आज। अच्छा, तो ये कल भी शाम को भी काट रहे थे, आज सुबह भी काट रहे हो, इतना क्या करना है? अच्छा, बेबी है ये, कब पैदा हुआ था? दो हफ्ते पहले ये बच्चा पैदा हुआ है, डंकी। अच्छा, ये हाथ किसी के नहीं आते और डरते हैं, इनको पता होता है इंसानों से दूर रहना है, अगर हम इंसानों के हाथ लग गए तो हमारा ये हाल होगा जिस तरह इस बेचारी का है। इंसान जो है ना वो बहुत जो है सख्ती करते हैं जानवरों के साथ। ये चार्ट लगा हुआ है, दूर की नज़र चेक करें, नज़दीक की नज़र चेक करने का तरीका। ये कौन सा डॉक्टर बैठता है यहाँ पर? क्या हाल है? ठीक है, फिट है। तेरा नाम की है? की है इत्तेशाम। जदीद फैन, जदीद तर्ज पर तैयार करदा फैन, जो इसमें हाथ लगाएगा सीधा। फिलहाल मैं एक दिन के लिए वापस जा रहा हूँ और कल परसों तक आ जाऊँगा। तो ये मैं आपको अपने प्राइमरी स्कूल दिखाता हूँ, अपने गांव के साथ ये एक गांव है, हाँ, पर हमारा प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर मैंने 5 जमातें पास की हैं इस स्कूल से। ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, ये इसकी मस्जिद है और ये सामने जो है इसका मेन गेट है, फिर कभी आपको जो है विज़िट करवाएंगे। आसमान से बादलों से ढका हुआ है, रास्ते में बारिश होने का भी ख़तरा है, तो वो निकलते हैं फिलहाल, अभी जो मौसम बहुत ख़राब है। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो व्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।